हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का अपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, एज वी ऑल नो कि Honda क्रेटा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अभी इसको ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं किया गया, बट इसकी बुकिंग ओपन हो गई है एंड यूट्यूब पे बट इसको पूरी तरह से रिवील कर दिया गया है इस कार को। तो इस कार के जितने भी इंटीरियर थे, एक्सटीरियर थे, आपको यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिल गए होंगे। एंड कई लोगों ने ये कार बुक करा दी होगी एंड कई लोग इस कार को बुक कराने जा रहे होंगे। सो गाइस, अगर आप भी इस कार को बुक कराने वाले हो तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाए जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सको कि इस कार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, बात करें Honda क्रेटा की, तो Honda क्रेटा ना पहले से इस सेगमेंट की किंग मानी जाती है। सेल्स के मामले में भी देखा जाए, चाहे फीचर्स मामले में देखा जाए, ये कार इस सेगमेंट को रूल करती थी। बात करें इसके फेसलिफ्ट में जो चेंजेस किए गए हैं डिजाइन वाइज, अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटीरियर डिजाइन है कार का, मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं यार इस कार के डिजाइन को लेके भी। बिकॉज कहीं ना कहीं कार का अगर आप फ्रंट देखोगे, कहीं ना कहीं ये कार आपको थोड़ा थोड़ा Honda Avenue से रिजेंबल करती हुई नजर आएगी। एंड वहीं बात करूं, साइड प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं देखे जाएगा मिलेगा आपको इस कार में। एंड बैक प्रोफाइल में अगर बात करूं तो बैक प्रोफाइल से भी ये कार कहीं ना कहीं आपको रिजेंबल लगेगी दूसरी कार से। तो एक्सटीरियर लुक मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, बट हाँ बात करूं इंटीरियर की तो इंटीरियर में बाजी मारती है Honda। एंड इस बार कार का इंटीरियर सच में बहुत प्रीमियम है, सच में बहुत क्लासी लग रहा है इंटीरियर। एंड कार अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस पॉइंट में तो क्रेटा ने बहुत बाजी मारी है, इंटीरियर कार का काफ़ी अच्छा बन गया एंड काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रही है अंदर से ये कार। फीचर्स भी कार में बहुत ज़्यादा एडवांस आ गए हैं अब, एंड इसी वजह से जो प्राइजेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कार के, वो कहीं ना कहीं हाई जाने वाले हैं। एंड मेरा जो मेन कंसर्न रहा है ना इस कार के साथ, वो रहा है इस कार की सेफ्टी को लेके। इस सेगमेंट की टॉप मोस्ट सेलिंग कार है ये एंड काफ़ी ज़्यादा बिकती है। ये चाहे इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ, सेकेंड जनरेशन की बात करूँ, हमेशा क्रेटा ने इस सेगमेंट को रूल किया है एंड काफ़ी ज़्यादा सेल्स के मामले में भी कार काफ़ी आगे है। बट मेरा जो मेन कंसर्न है वो इस कार का सेफ्टी से रिलेटेड है। बिकॉज सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस कार में। ऑल्दो इतनी सेल आप इस कार की Honda कर रही है, इतना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, बट फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार उतना आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाती जितना इसको करना चाहिए। तो ये एक मेन कंसर्न है। आप इतने पैसे लगा रहे हो एक प्रोडक्ट में, आप 18-19 लाख लगा रहे हो एक प्रोडक्ट में, और उस के हिसाब से आपको वो सेफ्टी ना मिले तो आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए कैसा रहेगा? फीचर्स, आई नो बहुत सारे फीचर्स आपको इस कार में मिलने वाले हैं। इंजन भी बहुत अच्छा है एंड रिलायबल कार है, रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है। फिट एंड फिनिश कार की बहुत अच्छी है। आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है क्रेटा में। बट जो मेन जहाँ पे चीज़ें लैक हो रही है ना, वो सेफ्टी पे हो रही है। एंड आज के टाइम पे सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कार को लेते समय। भले ही आपने बहुत सारे फीचर्स दे दिए हो, आपने एडास ले आए हो, आप इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आप ले आए हो, ऑल डिस्क ब्रेक ले आए हो और 4 डिस्क ब्रेक आप इसमें ले आए हो, आपने इसमें बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स डाल दिए, बट बिल्ड क्वालिटी का क्या यार? बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्ड क्वालिटी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो बाकी सारे फीचर्स के साथ। तो सेफ्टी जो एक पॉइंट है, वहां पे ये कार अभी भी लैक कर रही है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कार को बुक कराना चाहते हो तो उससे पहले ना इसके एक बार एनकैप रेटिंग आने दो कि ये कार कितना स्कोर कर रही है, कितना बिल्ड क्वालिटी वाइज ये सेफ है। बिकॉज फीचर्स ऑल आई नो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे इसमें ले आए हैं Honda, बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वर्किंग कराने से पहले एक बार इसकी सेफ्टी रेटिंग आने दो एंड देखो कि ये कार सेफ्टी में क्या रेट कर रही है अभी। आई होप पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई होगी, एंड अगर पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है तो डेफिनेटली आप इस कार को बुक कराओ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये Honda का। बट अगर सेफ्टी अगर आपको कार अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रही,
तो मेरा मानना है कि आप सेफ्टी को जरूर ध्यान में रखो यार, कोई भी कार लेते समय। गाइस, एक्सीडेंट सिर्फ हमारी गलती से नहीं होता, एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से भी हो सकता है। हो सकता है आपकी खड़ी गाड़ी पे कोई हिट कर जाए, हो सकता है कि आपको किसी और की गलती से आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। उस केस में क्या, उस केस में बिल्ड क्वालिटी भी कार की अच्छी होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी ही होगी, चाहे भले ही आप 6 एयरबैग दे दो, चाहे भले ही आप एडास फीचर ले आओ, जब तक स्ट्रक्चर क्वालिटी कार की सही नहीं होगी तब तक वो नहीं चलने वाला गाइस। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में होता क्या है, हम लोग फीचर्स के ऊपर ज्यादा भागते हैं। हमें कार में फीचर्स चाहिए, हम सेफ्टी को बाद में रखते हैं, उससे पहले हम फीचर्स को देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उस केस में आपके पास एक सेफ गाड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ट्रेवल हाईवे में ज्यादा है, उस केस में तो आपके लिए बहुत मस्त हो जाता है कि आप एक सेफ कार अपने साथ रखें। आपके लिए सेफ्टी, बिल्ड कार की बिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है गाइस। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कोई भी कार खरीदते समय। आप अगर सिर्फ फीचर्स के पीछे भागोगे, सेफ्टी को बाद में रखोगे, तो यार आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी चाहो वो करो। बट मेरा पॉइंट है कि आपको सेफ्टी का भी जरूर ध्यान रखना है। आप लो इस कार को, डेफिनेटली लो, बट एक बार उसकी बिल्ड एनकैप रेटिंग का तो वेट करो, एक बार उसकी एनकैप रेटिंग आ जाने दो। अच्छा स्कोर कर रही है कार, आप डेफिनेटली लो, अच्छा प्रोडक्ट है। मैं मना नहीं कर रहा प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, फीचर्स आपको पूरे मिल रहे हैं, इंजन बहुत अच्छा रिलायबल है कार का, इंजन परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। बट एटलीस्ट आप कार की सेफ्टी रेटिंग आने दो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको इस कार की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गाइस, छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ यही पॉइंट रखना था कि सेफ्टी को भी ध्यान रखिए, सेफ्टी भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।